Okay, so guys, let's start with the anterior triangle. In the previous video, we saw the boundaries and the contents for the posterior triangle, right? So, ab hum dekhenge anterior triangle ki boundaries aur contents, theek hai? To pehle hum anterior triangle ki boundaries dekh lete hain, theek hai? To ye hai anterior triangle ki medial boundary, theek hai? Is tarah se aapki triangle hoti hai, anterior triangle, ye uski medial boundary hai. Aur kaun bana rahi hai? Aapki anterior median line, theek hai? Anterior median line aapke paas इन जो है ये मीडियल बाउंड्री बना रही है आपके इस एंटीरियर ट्रायंगल की, ठीक है. उसके बाद अगर लैटरली देखें, दिस इज़ द लैटरल बॉर्डर ऑफ योर एंटीरियर ट्रायंगल, और ये जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड से बना है, ठीक है. सुपीरियरली अगर हम इसे देखें तो ये किससे बना है, एक तो आपके ये मैंडिबल के बेस से बना है, ठीक है, बेस ऑफ मैंडिबल से. दूसरा, जो लाइन ज्वाइन कर रही है आपके इस मैंडिबल के एंगल को इस मास्टॉइड प्रोसेस के साथ, वो हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर जो है बना रहा है इस एंटीरियर ट्रायंगल का. आई होप आपको ये बात समझ आ गई है. अब हम देखते हैं इस एंटीरियर ट्रायंगल की फर्स्ट सब डिविजन जो कि है मस्कुलर ट्रायंगल, इसके बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स, ठीक है. तो अगर आप देखें, दिस वन इज़ द एंटीरियर बाउंड्री, ये लिखा भी हुआ एंटीरियर बाउंड्री, ठीक है, ये यहाँ पे. और ये कौन बना रहा है हमारे पास, एंटीरियर मीडियन लाइन, ठीक है, जो कहाँ से एक्सटेंड करी है, आपके हायोइड बोन से, इधर से एक्सटेंड करी है टूवर्ड्स द स्टर्नम, ठीक है. उसके बाद इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री ना दो में डिवाइड होती है, एक है पोस्टीरियर सुपीरियरली, दिस वन, एंड दिस इज पोस्टीरियर इनफीरियरली, ठीक है. जो पोस्टीरियर सुपीरियरली है, दैट इज़ फॉर्म बाय द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, आप देख सकते हैं, ठीक है. ये सारा यहाँ पे असल में होता है, बस ड्रॉ गलती से ऐसे हो गया, ठीक है. देन पोस्टीरियर इनफीरियरली हमारे पास जो बाउंड्री बन रही है इस मस्कुलर ट्रायंगल की, वो हमारे पास बेसिकली स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ये है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, इसका एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है, ठीक है, इसकी पोस्टीरियर इनफीरियर बाउंड्री. अब हम इसके कॉन्टेंट्स देख लेते हैं. तो इस मस्कुलर ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या नज़र आता है. एक हमारे पास होता है स्टर्नोहायोइड मसल, इसके अलावा हमारे पास होता है स्टर्नोथायरॉयड मसल, इसके अलावा थायरॉयड ग्लैंड होता है हमारे पास, और हमारे पास क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, ठीक है. सो तीन चीज़ें तो थायरॉयड से रिलेटेड हैं, ठीक है, एक स्टर्नोथायरॉयड मसल, थायरॉयड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड. दूसरा आप वो याद रख लें, लाइक दैट इज़ द स्टर्नोहायोइड मसल, ठीक है. सो आई होप आपको इसके कॉन्टेंट्स जो हैं वो याद हो गए हैं. नेक्स्ट है हमारे पास दिस ट्राइंगल एंड दैट इज़ कैरोटिड ट्राइंगल, ठीक है. अब कैरोटिड ट्राइंगल अगर हम देखें तो इसकी ये है पोस्टीरियर बाउंड्री, दिस इज़ द एंटीरियर बाउंड्री, एंटीरियर बाउंड्री जो है दो में डिवाइडेड होती है, ठीक है. ये वाली आपकी एंटीरियर सुपीरियर बाउंड्री होती है, दिस वन इज़ एंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री, ठीक है, इस कैरेक्टर ट्राइंगल की. तो पहले हम देखते हैं पोस्टीरियर बाउंड्री हमारे पास कौन बना रहा है, ठीक है. तो पोस्टीरियर बाउंड्री हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, देख लिया आपने. तो ये हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री बन रही है. एंटीरियर सुपीरियरली हमारे पास जो आपका ये डाइगेस्ट्रिक था ना, ग्रीन में डाइगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर बेली थी ना, ये एंटीरियर बेली थी और यहाँ पर पोस्टीरियर थी. तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक इज़ फॉर्मिंग द एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैरेटेड ट्राइंगल, ठीक है. उसके बाद एंटीरियर इन्फीरियरली जो हमारे पास बन रहा है इसकी बाउंड्री, दैट इज़ फॉर्म बेसिकली बाय द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड. ये देखें, यहाँ पे सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड था तो उसने एंटीरियर इन्फीरियर बेली बना दी है, ठीक है, इस स्कैरेटेड ट्राइंगल की. सो आई होप बाउंड्रीज आपको क्लियर हो गई हैं. अब इसके कॉन्टेंट्स देख लेते हैं. तो इसके कॉन्टेंट्स में एक तो हमारे पास होता है स्कैरेटेड ट्राइंगल में इंटरनल जुगलर वेन, इसके अलावा कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है जिसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल भी नज़र आएंगी, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे वेगस नर्व्स होती हैं, इसके अलावा आपके पास यहाँ कैरोटिड शीट्स होती हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो रूफ है कैरोटिड ट्रायंगल की वो कैसे बनी हुई है, ठीक है. तो ये जो कैरोटिड ट्रायंगल थी इसकी रूफ हमारे पास बनी होती है फ्रॉम स्किन, ठीक है, एक तो स्किन होती है, इसके अलावा सुपरफिशियल फेशिया होता है यहाँ पे, और सुपरफिशियल फेशिया में आपको फेशियल नर्व नज़र आएगी, इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या नज़र आएगा, प्लेटिज्मा नज़र आएगा, और आपको यहाँ पर असेंडिंग ब्रांच नज़र आएगी ऑफ ट्रांसवर्स या फिर एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक, ठीक है.
अब हम देख लेते हैं कि जो डीप फेशिया है सुपरफिशियल फेशिया के नीचे आपके रूफ में वो क्या करेगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो रूफ में जो डीप फेशिया होगा ना वो स्प्लिट हो जाएगा और यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड इंक्लोज करेगा, ठीक है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को डीप फेशिया स्प्लिट करके इंक्लोज करेगा इन द रूफ ऑफ दिस कैरोटिड ट्राइंगल, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। अब हम देखते हैं इस कैरोटिड ट्रायंगल का फ्लोर, ठीक है। तो इसका फ्लोर कैसे बना है, एक तो कंस्ट्रिक्टर मसल है आपके पास, और ये किसका कंस्ट्रिक्टर मसल है, फेरिंग्स का। तो कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स बेसिकली फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ दिस कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। आगे अब हमने ये कैरोटिड ट्रायंगल यहाँ पे डिटेल में देख ली। अब हम देखते हैं सब मेंटल ट्रायंगल, ठीक है। ये जो छोटी सी ट्रायंगल है आपके सब मेंटल रीजन में, ठीक है, दिस वन, अब हम इसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये इसकी एपेक्स है इधर से इस तरह, ठीक है। एपेक्स किस तरह से बन रही है इसकी, ये जो चिन होता है ना आपका यहाँ पे, ठीक है, योर चिन फॉर्म्स द एपेक्स, ठीक है। तो एपेक्स आपकी चिन बना रही है। उसके बाद अगर हम इसकी बेस देखें, दिस इज़ द बेस, और ये आपको नज़र आ रहा है ये सारा हायोइड बोन है, तो बेस जो है वो हायोइड बोन से बन रही है। फिर अगर आप फ्लोर देखें तो इसका यहाँ पे जो फ्लोर है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द माइलोहायोइड मसल, ठीक है। माइलोहायोइड मसल हमारे पास फ्लोर बना रहा है। अब ना आपने एक बात याद रखनी है कि हर साइड पे आपको ना इस सब मेंटल ट्राइंगल पे, ये हर साइड जो है ना इसकी, यहाँ पे आपको एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, हर साइड का क्या मतलब है, ये अगर आपका नेक है तो हमने इसको यहाँ से काट के फिर हम ये वाला व्यू देख रहे हैं। ये जो सारा हमने नेक का ये वाला सारा व्यू देखा है ना, दिस वन, ये इसको बेसिकली नेक को हमने यहाँ से इस तरह काट के देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस साइड पर भी सब मेंटल ट्राइंगल होगी और इस साइड पर भी सब मेंटल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस साइड पर हम देख रहे हैं कि दोनों साइड पर, ऑन ईच साइड्स इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, इसलिए हमने लिखा था यहाँ पे कि ऑन ईच साइड इट इज़ फॉर्म्ड बाय दिस एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। तो अब हम इसके कॉन्टेंट्स देख लेते हैं सब मेंटल ट्राइंगल के। तो एक तो इसमें होते हैं सब मेंटल लिम्फ नोड्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो सब मेंटल लिम्फ नोड्स है ना, आपने याद रखना है कि ये ड्रेन करते हैं आपके चिन को, लिप्स को और गम्स को, ठीक है। चिन, लिप्स और गम्स को ये ड्रेन करेंगे। फिर इसके अलावा सब मेंटल लिम्फ नोड्स के अलावा यहाँ पर आपको सब मेंटल वेन्स भी नज़र आएंगी। ये सब मेंटल वेन्स जो हैं ये यूनाइट करती हैं और हमारे पास एंटीरियर जुगलर वेन बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेमेंटल ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल, ठीक है। तो जो डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल है, इसका मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, सब मैंडिबुलर ट्राइंगल। ये है आपकी डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल और इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था सब मैंडिबुलर ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो ये इसकी जो बेस है वो मैंने आपको बताया था, ये तो आपको नज़र भी आ रही है किससे बनी है, एक तो बेस ऑफ मैंडिबल से और द लाइन दैट इज़ जॉइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल विद द मास्टर ट्रॉसस, ये इसकी बेस या सुपीरियर बाउंड्री बना रही है, ठीक है, इस डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल की। जो डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल है उसकी एंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री होती है एक, और एक पोस्टीरियर इन्फीरियर बाउंड्री होती है, ठीक है। अब ये वाली एंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री है और ये पोस्टीरियर इन्फीरियर बाउंड्री है, ठीक है। एंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री जो है इट इज़ फॉर्म बाय द एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ये आप देख सकते हैं नीचे, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, और पोस्टीरियर इन्फीरियर बेली जो है वो पोस्टीरियर बेली जो है डाइगेस्ट्रिक का उससे बन रहा है, ठीक है। साफ क्लियर आपको डायग्राम में पता चल रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रूफ है वो किस तरह बनी होती है। तो जो हमारे पास इस डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल की जो रूफ है वो बेसिकली बनी होती है बाय स्किन, इसके अलावा सुपरफिशियल फेशिया होता है, ठीक है। यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया में आपको फेशियल नर्व नज़र आएगी, ठीक है, और इसमें आपको नज़र आएगा रूफ में स्किन सुपरफिशियल फेशिया के अलावा प्लेटिज्मा मसल, और आपको नज़र आएगा यहाँ पर डीप फेशिया भी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि फ्लोर में क्या क्या प्रेजेंट है इस डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल की फ्लोर में। एक तो हमारे पास माइलोहायोइड मसल आपको एंटीरियरली नज़र आएगा, ठीक है, फ्लोर में। इसके अलावा आपको मिडल कंस्ट्रक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स नज़र आएगा, और पोस्टीरियरली ना फ्लोर में आपको नज़र आएगा हायोग्लॉसिस मसल, ठीक है। हायोग्लॉसिस मसल आपको पोस्टीरियरली नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपकी ये चारों ट्राइंगल्स कम्प्लीट हो चुकी हैं, जो कि सब डिविजन्स थी हमारी इंटीरियर ट्रायंगल की। होप आपको समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।